एवरीवन, आज हम लोग आए हैं बीबी हैबत मॉस्क और बाय लोकल बस। ये बस आती है 128, ये हमें मिली है डेनिस मॉल के सामने से, और 28 मिनट से भी मिल जाएगी आपको बस। ये बस आपको सीधा ला के सामने उतारेगी, और ये है बीबी हैबत मॉस्क। ये बेसिकली इस्लामिक एक ज्यारत भी है। ये जो है समझ लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिश्तेदार, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उनका जो है इधर उनकी कब्र है, इधर तो उन, ठीक है। और एशिया के लिए, चीनियों के लिए, सबके लिए एक ज़्यादा है। मैं भी आया हूँ क्योंकि सेकेंड टाइम आया हूँ के लिए। ये हुआ जो है हवा, मौसम, मैंने हुडी पहनी है, आप देख सकते हैं। मई का महीना है और मई के महीने में एक बहुत ही खुशगवार मौसम ये, और यहाँ से व्यू, अच्छा ये आई गेस हाईवे के ऊपर है बीबी हैबत की मॉस्क, तो आप लोग इधर जा सकते हैं। पीछे मुझे पोर्ट लग रही है, ये देखिए पोर्ट्स हैं। ये देखिए जी दुबई और फाकू आई, जो कि तोहीन है दुबई के आई, दुबई के सामने। तो हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे हमने, क्योंकि दुबई का देखा हुआ है, वो इतना बड़ा है माशाल्लाह से। दुबई वाले इतनी हर चीज़ इतनी बड़ी बड़ी बना दी है कि हर चीज़ जो हमने छोटी छोटी रखना शुरू की है। तो हमने कहा कि आज इसको विज़िट कर लें। इस सामने हमारा फ्लिप टावर की हबत से हम वापस आ चुके हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं ये बाकू आई में, और इसके बाद हम जाएंगे मॉल। बस यही हमारा प्लान है अभी तक, और बहुत ही खूबसूरत ये पार्किंग बनाया हुआ है सामने, आप देख सकते हैं कलरफुल लाइट्स। यहाँ पर पौधों को पानी चाहिए दिया जा रहा है, ग्रीन, फुल ऑन ग्रीन। मौसम इज़ प्लेजेंट, क्लाउड्स नहीं है, लेकिन मौसम फिर भी अच्छा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, 14 या 15 आएगा। अच्छा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ कि आपको अजरबैजान कहाँ, मतलब अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप फ्लाई दुबई से आ सकते हैं, अगर कराची से आ रहे हैं एयर अरेबिया भी आती है, फिर इसी तरह पीआईए भी आती है, पीआईए डायरेक्ट आती है, एमिरेट्स आती है। हाँ एमिरेट्स से फ़्लाइट बना लीजिएगा क्योंकि देर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये पानी भरना तो पानी भर लो, ये इधर हल्का है, फ्री वाटर यू कैन ड्रिंक। अच्छा तो मैं आप सबको बता रहा था, हाँ फ़्लाइट्स के बारे में ये बता रहा था कि अगर फ़्लाइट्स लेनी है तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पीआईए के डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, और आई गेस कराची से भी शुरू कर देंगे, पहले थी लेकिन ख़त्म कर दी, फिर भी इसमें हो सकता है दोबारा शुरू कर दें। अच्छा इसके अलावा जो है और कौन से मंथ में आना चाहिए, मेरे ख्याल से ये जो अभी प्लेजेंट है, आप इजीली घूम सकते हो। मई का स्टार्ट हो गया, मई का मिड हो गया, अप्रैल का लास्ट हो गया, अप्रैल का मिड हो गया, ये बेस्ट महीने हैं विज़िट करने के लिए। अदरवाइज इससे पहले आप आएंगे सर्दी मिलेगी तो पानी फिर आ जाएगा, और ज़्यादा गर्मी होगी तो वैसे ही आपको आउटडोर एक्टिविटी जो है करने मुश्किल होगी, यहाँ पर चढ़ाई है सब कुछ है, तो सब कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो बेस्ट मौसम जो है ना
यही है। इसके अलावा हाँ मेरे ख्याल से अगस्त जुलाई अगस्त में भी आप आ सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपका समर वगैरह तो ये हो गया। और इसका वीज़ा बड़े आसानी से मिल जाता है, सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा इसका 2 दिन में आ जाता है, 48 आवर्स का टाइम देते हैं और 2 दिन में वीज़ा आपके पास होता है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होते, गिनती के 2-3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि बेसिक से पासपोर्ट हो गया, पिक्चर हो गई, बैंक स्टेटमेंट शायद अपलोड करनी होती है, दैट्स इट। और फ्लाइट टिकट वगैरह बाद है, ठीक है ना। अगर ई वीज़ा है तो आप पास से ओके टू बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, चाहे PI हो, एमिरेट्स हो, कोई भी हो, फ्लाई दुबई हो, तो ओके टू बोर्ड की भी ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में, अभी हम खाने लगे। मैंने खाना मंगवाया है, खाने का देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, देखते हैं कैसा लगता है बाकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्चुअली मैं एक बात सोच रहा था, वैसे आज नया दिन चढ़ चुका है, मैं एक बात सोच रहा था कि मेरे व्लॉग का ना सर होता ना पैर होता, मतलब ना स्टार्टिंग होती है ना एंडिंग होती है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एक्चुअली मुझे ये होता है कि मैं पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को उस हिसाब से कंटेंट बता सकूं, ये ना हो आप लोगों उस चीज़ में मिक्सिंग अप कर दें, क्योंकि किसी चीज़ में मैं कोई बात शेयर कर रहा हूँ, किसी चीज़ में कोई बात शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं सुपरमार्केट से आ रहा हूँ और सुपरमार्केट से चीज़ें लेकर जहाँ से, मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सुपरमार्केट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुपरमार्केट्स यहाँ पर छोटी दुकान टाइप भी हैं और बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, तो प्राइसेस हर जगह डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये कि आप लोग जो हैं बड़ी वाली मार्केट से लें जहाँ पर प्राइसेस मेंशन होती हैं, तो ये एक प्रो टिप है आपके लिए। अभी ये मैंने जैसे नाश्ते का सामान लिया है और शक्कर मुझे चाहिए थी, मैंने शक्कर ली है, तो इस तरह की चीज़ें आप वहाँ से बाय कर सकते हैं इजीली। दूध हो गया, योगर्ट हो गई, इन सभी डेली आइटम की चीज़ हो गई, तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। और अभी मैंने होटल अपना शिफ्ट किया है, मूव किया है, पहले मैं किसी और होटल में था, अब किसी और होटल में मैं मूव हुआ हूँ, और वो सामने बाको मोस्टो सेकंड होटल कुछ इस तरह का है, इस चीज़ का मैं पता लगा है। आज हम लोग जनारदाग में आए हुए हैं, जो जनारदाग की एंट्री से टिकट है इसकी 9 मिनट फॉर फॉरनर्स, और यहाँ पर जो है नेचुरली आग जल रही है, ये समझ ले कभी आग बुझती नहीं है, हमेशा आग चलती रहती है। आली फ्लूस सही नहीं, मैंने लगाई है ये आग नहीं, ये हेल्प फायर है। अच्छा एक आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, लेट मी स्विच माई कैमरा बैक, एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये इन लोगों ने कॉइन्स भी डाले हैं, अगर आप देखेंट्स भी डाले हैं, कुछ फिर पा जाओ तो बहुत गर्मी लग रही है। अब ये वॉक के लिए जा रहे हैं, ये आग नेचुरल चल रही है, पता नहीं कब से कितने सालों से है चल रही है। आई गेस रिजर्वर वो होगा कोई, यहाँ पर गैस वगैरह का ज़खायर है तो सही, तो गैस वगैरह तो नेचुरल गैस होगी, क्योंकि अज़रबैजान की आई गैस और ईरान की इन लोगों पास बेशुमार गैस है यार। ये वो उनके लिए हैंडीकैप वालों के लिए, तो वहाँ से ऊपर जाना है ना, उधर से जाना है, तो वहाँ से जाएंगे, वो उस ब्रिज पे जाना है हमें, फिर उधर से वॉक वॉक वॉक। अच्छा जनारदाग आने के लिए आपको मैं रास्ता थोड़ा समझा दूँ, आप लोग अगर बाकू में ओल्ड सिटी में स्टे किया हुआ या कहीं पर भी बाकू में, तो आपको मेट्रो पे कुरुगुल स्टेशन पे आना पड़ेगा, और कुरुगुल स्टेशन पे आके आपको BNA एक स्टेशन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बस स्टेशन है BNA कुरुगुलों के पास, वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी 217 नंबर की बस है, काफ़ी पुरानी सी बस होगी, वो आपको सीधा एंड तक इधर लेकर आएगी। तो तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उन्होंने हमें रोक दिया था, और दूसरी फिर हमें एक बस लेनी पड़ी, काइंड ऑफ शटल बस सर्विस कह लो, तो वहाँ से हमने बस एक चेंज की और ये नारदाग पे आ गए। ये मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ऊपर चढ़ गया मैं, ये नारदाग के साथ बिल्कुल एक इस तरह का
हिल ग्राउंड है, हिली ग्राउंड है, जो कि स्ट्रीट वॉक करते हुए जाता है। और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ मिला दी हुई हैं, इस तरह की ट्रैकिंग वगैरह करनी है आपने, यहाँ पर स्कूटर वगैरह चलाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं आप। मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा चल रही है और क्लाउड्स आप देख सकते हैं। थोड़ी सी प्राइजिंग इन्होंने बढ़ा दी थी और ज़्यादा भी है, जस्टिस नहीं है, चीज़ एक ही है। एक चीज़ आप देख लेंगे, नाइन मनाथ लेकर विच इस आई गेस टू मच, शुड बी लाइक अराउंड 4 or 5 मनाथ, दैट्स इट। व्हाट आर यू डूइंग? एंजॉयिंग द व्यू, सिट विद यू। झूले ले सकते हैं, टीम लगी हुई है, पिक्चर्स पॉइंट हैं, कुछ वेल बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ पुराने स्टोन वगैरह रखे हैं, ये भी मेरे ख्याल से आग से रिलेटेड ही होंगे। विलेज ऑफ मोहम्मद, विलेज ऑफ मोहम्मदी, जो कि इन्होंने लगाए हैं। पीछे वो जनाब खैर एक दफ़ा वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जगह है, आप लोग एक दफ़ा आके विज़िट कर सकते हैं, और जब बाकू आएंगे तो एक दफ़ा तो इट्स ओके फाइन, जैसे आप घूमते हुए जगह है, लेकिन आई गेस बार बार आने वाली जगह नहीं है, वर्थ इट नहीं। मैं तो पहले आ चुका था, लेकिन अब मैं सेकेंड हैंड विज़िट करवाने के लिए आया हूँ। देखिए आंसर वो इतना सा पार्ट है। अभी हमने बस चेंज की है, एक दो बसेस चेंज की हैं, और हम जा रहे हैं हैदराबाद। थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, और जाके देखते हैं कैसे मौसम, बहुत ही कुछ खूबसूरत मौसम कर रही है। हैदर मॉस्क, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हम जंगलों से गुजरते हुए यहाँ पर पहुँचे बैक साइड से एंट्री की, और ये हैदर मॉस्क आ गए। दिस इज ब्यूटीफुल 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 इंच। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेट्रो से आना है तो ये यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, ये सीवी मेट्रो स्टेशन, वहाँ से वॉक करके आ सकते हैं। तो मैं गिनारदाद से बस लेता हुआ, दो बसें चेंज करता हुआ, सो इट्स अ डिफरेंट। कैसे लगी? वर्थ इट, मज़े की है ना? ये बहुत मतलब कमाल का आर्किटेक्चर होना पता है, इसका डिटेलिंग चेक करने वाली है, इसके अंदर इतनी डिटेल्स है ना। बस मस्जिद के सामने से व्यू,